उत्तराखंड में आज यानी मंगलवार को समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पास कर दिया गया। यूसीसी विधेयक के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह विधेयक पेश किया। विधेयक पेश करने के बाद सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि विधानसभा में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करता हूँ। मुख्यमंत्री द्वारा विधेयक पेश किए जाने के इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे भी लगाए। प्रदेश मंत्रिमंडल ने रविवार को यूसीसी मसौदे को स्वीकार करते हुए उसे विधेयक के रूप में सदन के पटल पर रखे जाने की मंजूरी दी थी। उधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि सरकार की मंशा पर संदेह है, बिल की कॉपी आधी दूरी मिली है, अब 2 बजे इस पर चर्चा भी होनी है, ऐसे में इतनी देर में क्या चर्चा करेंगे और क्या पढ़ेंगे। 4 खंडों में 740 पृष्ठों की इस मसौदे को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को सौंपा था। यूसीसी के तहत सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। पुरुष महिला को तलाक देने के समान अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशन डिक्लेयर करना जरूरी होगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 माह की सजा होगी। लिव इन में पैदा बच्चे की संपत्ति में समान अधिकार है। महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं है। अनुसूचित जनजाति दायरे से बाहर हैं, बहुविवाह पर रोक। पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकती है। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी, बिना रजिस्ट्रेशन सुविधा नहीं है। उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा, यानी प्रॉपर्टी में बराबर का लड़के के बराबर लड़की को भी हक मिलेगा। यूसीसी लागू तो क्या क्या होगा? हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होंगे। जो कानून हिंदुओं के लिए वही दूसरों के लिए भी है। बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं रहेगी। यूसीसी से क्या नहीं बदलेगा? धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी निकाह होता है तो अगर मौलवी निकाह कराते हैं तो उस पर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फेरे होते हैं तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यानी बहुत सारी जो मजहबी चीज़ें हैं, नमाज पढ़नी है, पूजा करनी है, तो उसका कोई इस तरह की कोई इस पर पाबंदी नहीं है। धार्मिक रीति रिवाज पर असर नहीं है। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर प्रभाव नहीं है। यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में से एक वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए। उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सत्ता संभालने के साथ ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेष समिति के गठन को मंजूरी दी थी। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म के मानने वालों हों। इस बीच राज्य विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होने पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि अगर राज्य सरकार समान नागरिक संहिता के नाम पर शासक वर्ग के लिए दूसरे समुदाय की परंपराओं में हस्तक्षेप करने के लिए कानून लाती है तो क्या वेमन से नहीं होगा? इस पर कांग्रेस के हरीश रावत ने, जो पहले सीएम रहे हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन जताया, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि संख्या इनकी ज़्यादा है इसलिए ये बिल पास हो गया।